अब देखिए हम, आइए दोस्तों देखिए, अब चलते हैं हम लोग गुफा की ओर, जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब गुफा है, बेहतरीन गुफा है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ज्यादा हम लोग अंदर जाएंगे नहीं, अंदर मतलब खतरा उतरा हो सकता है, कुछ जानवर उनवर होंगे तो दिक्कत है। चलिए अब आते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक है कि मधुमक्खियाँ भी बहुत है, मधुमक्खियाँ इतना है कि मधुमक्खियाँ से भी डर लग रहा है, कहीं ना ऐसा ना कि उड़ उड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आगे हम लोग अंदर, और ये देखिए यहाँ पे मधुमक्खी का छाता गिरा हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं, देखिए यहाँ मधुमक्खी बहुत है, आगे जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है, जा रहे हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मधुमक्खियाँ कितना है, आप लोग को दिखा सकते हैं, उड़ गए मधुमक्खियाँ तो वाट लग जाएगा यहाँ पे। देखिए मधुमक्खी कितना है, देखिए यहाँ पे, देखिए बहुत ही मधुमक्खी है यहाँ पे। चले गए हम तो, इधर भी गुफा है लेकिन अभी हम जाएंगे नहीं, वापस आ जा रहे हैं। मधुमक्खियाँ बहुत है, डर लग रहा है, इसलिए हम फिर वापस जा रहे हैं। अब जा रहे हैं दूसरी गुफा की तरफ, इसमें नहीं जाएंगे। चलिए और आप लोग को एक ठो और नया चीज दिखाएंगे हम, जो पहले मतलब 200 साल पहले यहाँ पे, जो 200 साल पहले यहाँ पे जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, वो लोग यहीं पर आके पूजा करते थे, जैसे मैं आपको बताया था नीचे पहले वीडियो में बताया हूँ कि जो डिहवार बाबा नीचे पूजा करते हो यहीं पे होता था, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा ऊँचा रहने की वजह से जो पूजा करती थी वो थोड़ा एजेड हो गए थे, तो वो फिर नीचे शिफ्ट हो गए। अब कैसे कैसे वो हुआ वो हमको मालूम नहीं है, इस समय मेरा उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा। देखिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे, जिससे घी लगाते थे वो घिवाही पत्थर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही चिकना है, इस पर चढ़ने के बाद आदमी फिसलता भी है, कि हम लोग चढ़ेंगे नहीं, खाली उसको आप लोग को दिखाएंगे। और इधर भी मधुमक्खियाँ बहुत है, डर भी लग रहा है मधुमक्खियों के, देखिए अब देख सकते हैं ये यही घिवाही पत्थर है, एकदम चिकना हो गया है। अब 2 साल पहले की बात है तो उस समय का घी लगता था, तो अब उतना ये चिकना नहीं रहा जैसे पहले था, लेकिन अभी भी है कुछ भी। और यहाँ पे इसके नीचे बाजू में कुआं था, अभी भी कुआं है वो, लेकिन अब उसमें पानी उनी नहीं रहता है, वो भरा गया है। अब देख सकते हैं, मैं इसको छू के देखता हूँ वाकई में चिकना है कि नहीं, वाकई में बहुत ही बेहद चिकना है एकदम। और यहाँ पे हम जहाँ तक जानते हैं मतलब बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यहाँ पे नाग नागिन भी रहते हैं, मतलब रहते थे पहले, अभी तो हम लोग देखे नहीं है तो यकीन नहीं करते हैं। और इधर से देखिए रास्ता है, इधर से रास्ता है जाने का कुआं में, हम लोग जाएंगे नहीं अभी, यहाँ पे जाएंगे तो रिक्स है, कहीं मधुमक्खियाँ उड़ गए तो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए यहाँ आप लोग के सुरंग दिखा देते हैं हम, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मतलब कुआं है, तो ये कुआं में फिर कभी वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को दिखाएंगे। ऐसे में इधर से जाते हैं गुफा में बस, और फिर अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ऊपर चढ़ के दिखाएंगे। ऊपर चढ़ के आप लोगों को दिखाएंगे ऊपर पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं। चलिए फिलहाल यहीं से हम लोग वापस जाते हैं। आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन दबा दें, जो नोटिफिकेशन आप लोग के ऊपर जाएगा, और ऐसे ही लाइक और शेयर करें प्लीज दोस्तों, थैंक यू।